क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र कुमार मिश्रा। क्या मामला हुआ था महाकौशल में? महाकौशल में बांदा स्टेशन से आगरा तक के लिए मैं अपर क्लास में काम कर रहा था। बांदा से गाड़ी चलने के बाद जब मैं गाड़ी चेक करने गया तो 22A1 की 22 नंबर सीट पे एक यात्री सो रहा था जिसके पास कोई टिकट या ट्रेवल अथॉरिटी नहीं थी, पुलिस की वर्दी में था। जब मैंने उससे पूछा तो बोला कि हमारे सांसद जी जिनका नाम भैरव प्रसाद मिश्रा जी है वो यात्रा कर रहे हैं, मैं उनका गनर हूँ। टिकट बनवाने के लिए कहने पे उसने कहा कि आप सांसद जी से बात कर लीजिए और फ़ोन लगा के मुझे दे दिया। सांसद जी ने फ़ोन पे आते ही गाली गलौज करना शुरू कर दिया, तुम मुझे नहीं जानते हो, कितने दिन से चल रहे हो इस रूट पे, मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊँगा, मैं तुमको ऑर्डर देता हूँ, अभी चार्ट लेके मेरे पास आओ। मामला बिगड़ता देख मैंने अपने साथी संजय सिंह को बुलाया और हम दोनों उनके पास गए। जाते ही उनके साथ जो स्पॉस था ऊपर की सीट पे HA1 की सी कैबिन में, ये दोनों बैठे थे, दोनों ने गाली गलौज हम लोगों के साथ करना शुरू कर दिया, धमकाना शुरू कर दिया कि संसद में ये मामला उठाऊंगा, तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। तब तक उनके स्पॉस ने कहा कि ये लोग हमारी वीडियो बना रहे हैं और हमारे साथी संजय सिंह को मारने के लिए दौड़े। पीछे पीछे मैं भी गया। गेट तक पहुँचते पहुँचते उसने संजय सिंह को धक्का दे दिया था गेट से, जो कि गेट पर अटेंडेंट खड़ा था उसके कारण, और मैंने पीछे से हाथ पकड़ लिया तो बच गया। इसी बीच में इसके तुरंत बाद उन लोगों ने संजय सिंह का भी फ़ोन ले लिया और हमारा फ़ोन भी ले लिया और बोला भाग जाओ यहाँ से नहीं तो जान से मार देंगे। हम लोग दूसरे कोच में चले गए। उसके बाद संजय के पास एक दूसरा फ़ोन था CUG वाला छोटा फ़ोन, उस फ़ोन से हमने दिल्ली कंट्रोल को फ़ोन करके और वहाँ से झांसी कंट्रोल का नंबर लिया और झांसी कंट्रोल को सारी बातें बताई। बताने के बाद झांसी में RPF GRP सब आई और आके उन लोगों ने हमारा फ़ोन तो दिलवा दिया, लेकिन वो पैसेंजर गनर जो बिना टिकट जा रहा था वो चार्ज नहीं हो पाया, गाड़ी चल पड़ी वहाँ से। ग्वालियर में भी ऐसा ही हुआ, वो लोग आए RPF GRP वाले, बिल्कुल दी जान से संजय सिंह को धक्का दे दिया। वो तो हमने और अटेंडेंट ने नहीं पकड़ा होता तो गाड़ी से नीचे गिर गया होता।